वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लिसरीन के बारे में। ग्लिसरीन आप जाते हो मार्केट में, आपको 30 से 50 रुपए के बीच में मिल जाती है, बट क्या आपको पता है ये इतने अफोर्डेबल प्रोडक्ट के कितने मैजिकल बेनिफिट्स होते हैं? हम आज की वीडियो में आपको वही बताने वाले हैं कि ये 30 रुपए की ग्लिसरीन आपको कितने ज्यादा स्किन बेनिफिट्स दे सकती है जो महंगे महंगे ब्रांड्स आपको नहीं दे पाते। पहले आपको बता दें ग्लिसरीन आखिर होती क्या है। ग्लिसरीन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो वेजिटेबल ऑयल से डिराइव किया जाता है। उसके अगर हम टेक्सचर की बात करें तो वो कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है और एक सिरप की तरह होता है। उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, एकदम एज गुड एज न्यूड, जैसे आप एक सिरप लेते हो ना उसकी तरह होता है, बिल्कुल प्योर ट्रांसपेरेंट जेली टाइप होती है। इसकी कुछ खास बात की अगर हम बात करें, इसके अंदर होते हैं मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स। अगर आप कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स नजर मारोगे तो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में वाटर और फ्रेग्रेंस के बाद सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला इंग्रेडिएंट होता है ग्लिसरीन। चाहे लोशंस हो, फेस मॉइस्चराइजर्स हो, फेस क्रीम्स हो, सब में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला इंग्रेडिएंट होता है एक ग्लिसरीन ही। तो आज हम उसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कैसे प्योर फॉर्म में आपको ग्लिसरीन कितने ज्यादा बेनिफिट्स देने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 ब्यूटी बेनिफिट्स ऑफ ग्लिसरीन फॉर योर स्किन एंड हेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 ब्यूटी बेनिफिट्स ऑफ ग्लिसरीन। नंबर वन जो हमारी लिस्ट में है और जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है ग्लिसरीन का, वो होता है एज अ मॉइस्चराइजर। ये एक बहुत बढ़िया मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। इसका टेक्सचर ही इतना कमाल का है कि आपकी स्किन को पूरा हाइड्रेटेड रखता है। अगर आपने ऐसा फील करा है कि मेरे को कोई भी मॉइस्चराइजर लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट दे ही नहीं पाता, एक बार आप ग्लिसरीन ट्राई करो, वो इतना डीप हाइड्रेशन देता है और उसका मॉइस्चर हटता भी नहीं है फॉर फुल डे लॉन्ग। अगर आपकी स्किन एक्सेस ड्राई है तो आप उसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड कर सकते हो, उसका हाइड्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप उसमें थोड़ा सा रोज वाटर ऐड कर सकते हो, उसका जो एक स्टिकीपन होता है वो थोड़ा खत्म हो जाएगा और ऑयली स्किन के लिए एक बढ़िया मॉइस्चराइजर बन जाएगा फॉर फेस एंड फॉर बॉडी। बेनिफिट नंबर टू, ये एक बहुत कमाल का टोनर होता है। टोनर अब आपको बनाने की एक छोटी सी रेसिपी फॉलो करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको चाहिए ग्लिसरीन और 6 चम्मच रोज वाटर। आपने दोनों को प्रॉपरली मिक्स कर लेना है और तैयार होगा आपका होममेड टोनर। आप उसको चाहो तो कॉटन से अपने फेस पे लगा सकते हो। ये आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस्ड रखेगा और आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा। मेक श्योर करेगा आपके पोर्स भी प्रॉपरली टाइट रहे। बेनिफिट नंबर थ्री, ये एक बहुत ही कमाल का क्लेंजर है। आज मार्केट में जितने मर्जी क्लेंजर ले लो, उसके अंदर अगर आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं अल्कोहल होता ही है। तो आप इससे बेटर है घर पे तैयार करो अपना हर्बल क्लेंजर। उसके लिए आपको चाहिए ग्लिसरीन का 1 स्पून और साथ में चाहिए 2 से 3 स्पून ऑफ मिल्क। आपने प्रॉपरली दोनों को मिल्क मिक्स कर लेना है और तैयार हो गया आपका होममेड क्लेंजर। अब आप चाहो तो इससे अपना मेकअप भी हटा सकते हो और अपने फेस से प्रॉपरली इम्प्योरिटीज भी हटा सकते हो। आपने कॉटन में थोड़ा सा अपना होममेड क्लेंजर लेना है और डायरेक्टली वाइप ऑफ कर सकते हो। जितना भी डस्ट होगा, डेड स्किन होगी, वो प्रॉपरली क्लेंज हो जाएगी। बेनिफिट नंबर फोर, जो ग्लिसरीन होता है वो कमाल की एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ होता है। वो फाइन लाइंस, रिंकल्स या प्री मैच्योर एजिंग सब पे वर्क करता है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका, आप डायरेक्टली ग्लिसरीन को लगा लो अपने फेस पे और वो एंटी एजिंग बेनिफिट्स देगा। बट अगर आप चाहते हो कि इसका इफेक्ट डबल हो जाए और आपको डबल स्पीड में बेनिफिट दिखे, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपको चाहिए होगा एक एग। आपने एग को वो ब्रेक कर लेना है, उसको प्रॉपरली मिक्स कर लेना है जब तक वो फ्रॉटी ना हो जाए। उसमें आपने देन मिक्स करनी है हनी और ऐड करनी है ग्लिसरीन। अच्छे से प्रॉपरली सबको मिक्स कर लो और उसको एक फेस मास्क की तरह अपने फेस पे लगा लो। 20 से 25 मिनट के लिए लीव ऑन कर लो। जैसे सूख जाए उसको आप मसाज करके वॉश ऑफ कर दो और आपको जो मैजिकल ग्लो दिखने वाला है ना, आपको मजा आ जाएगा। और साथ साथ ही रिंकल्स और फाइन लाइंस पे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। ये हो जाता है प्रोसेस आपका डबल। आप जैसे अगर सिर्फ ग्लिसरीन लगाते हो, वो एंटी एजिंग बेनिफिट फिर भी देगा बिकॉज उसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज तो है ही। बट अगर आप उसमें ये प्रोसेस ऐड कर लेते हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो अब आपने देखना है कि आप स्पीड तेज चाहते हो कि धीरे चाहते हो। बेनिफिट नंबर फाइव, ये एक बहुत बढ़िया काम करता है आपके डार्क स्पॉट्स पे। अब उसके लिए आपको एक फॉलो करनी होगी छोटी सी रेसिपी। आपको चाहिए होगा ग्लिसरीन और आपने उसमें मिक्स करनी है वैसलीन की पेट्रोलियम जेली या कोई भी जेली आप ले सकते हो जो मार्केट में इजीली आपको मिल जाए। आपने प्रॉपरली मिक्स कर लेना है दोनों को और आपने उसको लगा लेना एक फेस मास्क की तरह। ये बहुत इफेक्टिव होता है आपके डार्क स्पॉट्स पे भी और पिगमेंटेशन पे भी। ये मेक श्योर करता है अगर आपको कोई स्कार भी रह गया है ना, ये स्कार को हटाने का काम भी करता है। आपने बस इसको फॉलो करना है ट्वाइस इन अ वीक। जैसे मैंने बताया, आपने लेना है 1 स्पून ऑफ पेट्रोलियम जेली एंड 1 स्पून ऑफ ग्लिसरीन। दोनों को प्रॉपरली मिक्स कर लो, थोड़ा सा पतला हो जाए ताकि वो, और इतना पतला भी ना हो कि वो टपके। आपने पूरा एक फेस पैक लगा लेना है अपने फेस पे। 20 मिनट बाद बस उसको वॉश कर लेना है और आपको मजा आ जाएगा। आपको 1 वीक में ही डिफरेंस दिखने लग जाएगा डार्क स्पॉट रिडक्शन में। बेनिफिट नंबर सिक्स, ग्लिसरीन आपके पोर्स को अनक्लॉक करने का काम करती है और ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को हटाती है। अब उसके लिए चाहिए होंगे आपको टोटल 3 प्रोडक्ट्स।
आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी, रोज वाटर और सबसे जरूरी ग्लिसरीन। आपने लेना है 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, उसमें डालना है 1 स्पून ऑफ ग्लिसरीन और डालना है 2 to 3 स्पून ऑफ रोज वाटर। प्रॉपरली सबको मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है और डायरेक्टली लगाओ उसको फेस पे। आपके पोर्स को भी प्रॉपरली अनक्लॉक कर देगा और आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को भी हटा देगा। ये जो पेस्ट होता है हल्का फुल्का एक्सफोलिएट करता है आपके फेस पे, ताकि जो भी पोर्स क्लॉग्ड है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए और आपको एक ग्लोइंग स्किन मिल जाए। बेनिफिट नंबर 7, ग्लिसरीन जो होता है ना वो आपके बालों से डैंड्रफ हटाने का काम करता है। उसके अलावा आपको चाहिए होंगी अगेन 2 चीजें। एक आपको चाहिए ग्लिसरीन और उसमें आपने मिक्स करनी है 3 से 4 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल। अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर लेना है और उसको आपने लगाना है अपने रूट्स पे। जब आप उसको रूट्स पे लगाते हो, ग्लिसरीन में भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है और टी ट्री होता है थोड़ा सा एंटीसेप्टिक और डैंड्रफ पे बहुत जल्दी फायदा देता है। आपने उसको अपने रूट्स पे लगा लेना है और 30 मिनट बाद उसको प्रॉपर्ली वॉश कर सकते हो। आपको डैंड्रफ में फर्स्ट यूज में ही रिलीफ दिखना शुरू हो जाएगा और वो मेक श्योर करेगा जो इचिंग होती है डैंड्रफ में वो भी प्रॉपर्ली रिमूव हो जाए। बेनिफिट नंबर 8, आप ग्लिसरीन से एक कमाल का लिप मास्क रेडी कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट। आपको चाहिए एक ग्लिसरीन और दूसरा आपको चाहिए हनी। दोनों को 1:1 की रेशियो में आपने डालना है, 1 चम्मच ग्लिसरीन तो 1 चम्मच हनी। प्रॉपरली मिक्स कर लेना है एंड देन उसको आपने अप्लाई कर लेना है अपने लिप्स पे। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि आप जैसे टेस्ट से आपको लगे कि मैं इसको टच कर लूं लिप्स से और कंज्यूम कर लूं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वो फायदा देने की जगह नुकसान देने लग जाएगा। आपने उसको लगाना है और 20 मिनट तक के लिए लीव ऑन कर देना है। 20 मिनट में हल्का फुल्का वो ड्राई हो जाएगा, तब आपने कॉटन लेनी है और उसको प्रॉपरली वाइप कर देना है। अगर आपको फील होता है कि मेरे लिप्स हमेशा ड्राई रहते हैं, एक बार ये चीज ट्राई करो, आपको ये ड्राई लिप्स बिल्कुल दूर हो जाएंगे। बेनिफिट नंबर 9, ग्लिसरीन से आप रेडी कर सकते हो एक नेचुरल एक्सफोलिएटर। उसके लिए आपको चाहिए होंगे टोटल 3 इंग्रेडिएंट्स। 1 चम्मच लेना है आपने ग्लिसरीन, 1 चम्मच लेना है आपने शुगर और उसको डाइल्यूट कर लेना है प्योर एलोवेरा से। प्रॉपरली सबको मिक्स कर लेना, एक पेस्ट सा रेडी हो जाए एंड देन आप उसको यूज कर सकते हो अपने फेस पे भी, बॉडी पे भी। जहां जहां आपको फील हो रहा है मेरे पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं या ब्लैक हेड और व्हाइट हेड हो रहे हैं, आपका नेचुरल स्क्रब रेडी है घर पे। प्रॉपरली डेड स्किन हटाएगा और आपके फेस को हेल्दी ग्लो देगा। अब ग्लिसरीन डली है तो मॉइस्चर की कमी तो होने ही नहीं वाली, जो कि यूजुअली मार्केट वाले स्क्रब से हो जाती है। तो ये मेक श्योर करेगा आपके फेस पे मॉइस्चर भी रहे और प्रॉपर ग्लो भी रहे। बेनिफिट नंबर 10, ये लास्ट बेनिफिट है ग्लिसरीन का जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि एक नेचुरल डी टैन का काम करता है। अब उसके लिए चाहिए आपको 2 इंग्रेडिएंट। आपने लेना है 1 बनाना, उसको प्रॉपरली मैश कर लेना है। आप जब बनाना को मैश कर लोगे, उसमें आपने मिक्स करनी है ग्लिसरीन, प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लेना है और तैयार हो गया आपका होममेड डी टैन पैक। मार्केट वाले डी टैन पैक से ज्यादा ग्लो देने वाला है और इसका ग्लो भी लंबे समय तक रहने वाला है। और ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी बढ़िया रहता है बिकॉज एकदम हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। आपका जब वो फेस पैक रेडी हो गया, आप अपने पूरे फेस पे लगा सकते हो, नेक पे, बॉडी पे, जहां जहां आपको टैनिंग फील हो रही है उसको लगा सकते हो। 20 से 25 मिनट के लिए लीव ऑन करना है। जैसे वो ड्राई हो जाए हल्का फुल्का मसाज करके उसको वॉश ऑफ कर दो और बस आपकी प्रॉपर टैनिंग रिमूव हो जाएगी। जितने दिन की टैनिंग हो, आपको अगर लगता है कि मेरी नेक की टैनिंग बहुत ज्यादा है, लेग्स की टैनिंग बहुत ज्यादा है, ट्राई दिस रेसिपी और आपको मजा आ जाएगा। ये प्रॉपर एक्सफोलिएट करेगा और टैनिंग को पूरा हटा देगा। तो ये थे कुछ मैजिकल बेनिफिट जो ग्लिसरीन हमारे को देता है। आप भी हैरान हो गए होंगे कि छोटी सी ग्लिसरीन जिसको हमने कभी वैल्यू ही नहीं दी, वो हमारे को इतने बेनिफिट्स दे सकती है। जी हाँ, आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़ते बढ़िया चीज के लिए। तो अभी के अभी जाओ, ग्लिसरीन लो प्योर वाली और जो समस्या आप फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन तो हमने आज की वीडियो में आपको बता ही दिया। जो भी चीज आप ट्राई करो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि ये वाली चीज ने हमारी हेल्प करी और हमारी प्रॉब्लम को दूर करी। हमें बहुत खुशी होगी ये जान के कि हमारी इस छोटी सी वीडियो ने आपको अगर थोड़ी सी भी मदद की हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज हमारी फैमिली अभी थोड़ी सी छोटी है जिसको आप लोग ही मिलकर बड़ी करवा सकते हो। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट सचदेवा, गुड बाय।